वैभव गहलोत जी भी हमारे साथ फोन लाइन सीधे जुड़ रहे हैं। वैभव जी बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। आप टीवी अगर देख रहे हैं सर इस वक्त काशुनी गहलोत आपकी बेटी एज एन एंकर हमारे साथ मौजूद है। काशुनी क्या बोलना चाहेंगी पापा को, कुछ पूछना चाहेंगी? आप इसको आगे कितना जल्दी बढ़ाएंगे जैसे आप अभी बढ़ा रहे हैं? अभी तो बढ़ी गया, अभी आपने 2 इंटरनेशनल मैचेस लाए हो। बिल्कुल, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर से स्टेडियम को लेकर भी जिस तरह से काम कर रहे हैं वैभव जी। मुझे खुशी है कि बीसीसीआई ने हमको 2 इंटरनेशनल मैचेस जयपुर को अलॉट किए हैं और उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमने एक कमेटी भी गठित कर दी है 2 दिन पहले, और कल ही मैं अहमदाबाद जाके हमारे बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी श्री जय शाह से मैंने मुलाकात की। उनको बहुत बहुत आभार जताया कि उन्होंने हमारी एसोसिएशन के ऊपर ये विश्वास व्यक्त किया और हमको 2 इंटरनेशनल मैचेस नवंबर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और फरवरी अगले साल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो मैच दिया उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया है और उनको दोनों ही मैचेस के लिए जयपुर आने का निमंत्रण भी दिया है। और हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से चालू है, हमने कमेटी बना दी है, टेक्निकल कमेटी, वो पूरे स्टेडियम का एक तरह से रिपोर्ट पूरी तरह से बना के हमको देगी कि हमको आने वाले दिनों में क्या उसमें अपग्रेडेशन करना है, क्या पूरी व्यवस्था सुधारनी है, उस बारे में हमने पूरी बात की है। बिल्कुल वैभव गहलोत जी, बिल्कुल कोशिशें नजर आ रही हैं। आरसी अध्यक्ष के तौर पर जो इंतजार था जिस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी जी भी कह रहे थे और उस चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे, उस लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे। वैभव जी एक अहम बात है, देखिए आज डॉटर्स डे है और कैसा लग रहा है कि एक ही स्क्रीन पर जैसा कि मुझे भी नजर आ रहा है वैभव गहलोत जी भी है साथ में आपकी बेटी काशुनी गहलोत भी है, एक स्क्रीन शेयर करने पर अभी क्या महसूस कर रहे हैं काशुनी को एज एन एंकर देखकर? मुझे खुशी है और अच्छा लगा फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ने इनको यहाँ बुलाया और जिस तरीके से आप सब लोगों की टीम से इसकी मुलाकात हुई, आप लोगों का रोज़ किस तरीके से आप लोग पूरे देश दुनिया और प्रदेश की सारी खबरें आम जन तक पहुँचाता है फर्स्ट इंडिया सबसे पहले जी। मुझे खुशी है कि आज ये स्टूडियो आके इसने यहाँ का पूरी वर्किंग देखी, आप सभी लोगों से इसने मुलाकात की, आपके टेक्निकल टीम, आपकी एंकर्स, आपके मैनेजमेंट सबसे इसकी मुलाकात हुई और इसने जाना कि किस तरीके से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल प्रदेश की खबरों को सबसे पहले जनता को दिखाता है। बिल्कुल वैभव गहलोत जी, क्योंकि राजनीति में आप भी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, जब परिवार में राज्य के हित में काम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ में बचपन से ही काशुनी ये सब देखा है, उसकी कोई खास बात जो आपको नजर आती है वो जरूर जानना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारी और बेटियों में तो खासियत ही खासियत होती है, लेकिन वैभव गहलोत जी कोई 2 बातें जो आपको लगता है कि अलग करती है काशुनी को बाकियों से? मैं सबसे पहले तो आज डॉटर्स डे पे मेरी ओर से काशुनी को और तमाम बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके जीवन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि इसने हमेशा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखा है, मेरा मानना है ये जल्दी पिकअप करती है सब चीज़ों को और जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन भी रहता है वो लाजवाब रहता है। बिल्कुल काशुनी, क्योंकि वैभव जी साथ में जुड़े हैं, पापा हैं आपके, कहाँ पर जाना उनके साथ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे हर जगह उनके उनके साथ जाने में पसंद आता है क्योंकि मैं उनकी लकी चार्म हूँ। वाह, लकी चाम, इसलिए आपको लगता है कि जहाँ भी जाते हैं वैभव जी हर जगह, कोई ऐसी पर्टिकुलर पसंद नहीं है कि आपको ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं या इलेक्शन के उसमें रैली में जाते हैं, क्योंकि तब भी आप नजर आई थी, कई बार नजर आती हैं तो इसलिए आपको पसंद है उनके साथ जाना क्योंकि मैं उनकी लकी चाम हूँ। बिल्कुल वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।